सबका बदलना है, समय की आन ना बदले और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। और छुरी चल जाए गर्दन पर मगर ईमान ना बदले, और धर्म पे चलने वालों का कभी भगवान ना बदले। तो अगर मारना चाहो किसी को तो मार दो एहसान से, वरना दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से। तो क्या भला होगा तुम्हारा जो मार दोगे जान से, और पक्ष दी जान तो वह मर जाएगा एहसान से। एहसान का मारा हुआ दो मैंने सुमर लिए भगवान, एक मन शराम गुरुदेव के विग्रह चरणों में ध्यान। हेलो हेलो आवाज थोड़ी ट्रेवल आवे सुन। आइए मेहरबानों, एक रागनी गाने का मौका मिला और किस्सा महाभारत उस मौके की बात। सुलेखा हरण यानी पर्व सुलेखा हरण, शिशुपाल का हाथी बिगड़ गया, बिगड़ा नहीं बल्कि उसने जानबूझ के छोड़ दिया उत्पात मचाने के लिए। वहां पर पांचों पांडव उस रोज मौजूद नहीं थे, महलों के अंदर मात्र 12-13 वर्ष का वो अभिमन्यु सोया हुआ है। माता सुभद्रा अभिमन्यु के पास में गई और उसे बड़े बड़े वीरों का हवाला दिया, बड़े बड़े वीरों की कहानी सुनाई कि बेटे छोटी छोटी सी उम्र में बहुत वीर हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े पापियों का वध किया है, बड़े बड़े पाप खत्म किए हैं और बड़े बड़े योद्धा हुए हैं छोटी सी उम्र के वीर, और तू भी आज अपने पिता की गैर मौजूदगी में उस हाथी को पकड़ के बांध दे। किस प्रकार से बड़े बड़े योद्धाओं का हवाला देते हुए अपने वीर अभिमन्यु का हौसला बढ़ाती हुई माता सुभद्रा क्या कहने लगी सुने किस रागिणी के माध्यम से।